फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड. दिस इज़ द वीडियो अबाउट इंग्लिश ग्रामर. दिस इज़ योर बुक ग्रामर वैली पार्ट टू, अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. कम एट द लेसन 18. ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसन है. कॉम्प्रिहेंसन मीन्स आपको कोई पोयम या आपको कोई एक पैसेज दिया जाता है और आपसे उससे रिलेटेड आप उसको दो तीन बार पढ़िए, उसकी कहानी को समझिए. देन कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और आपको उसके आंसर क्लियर करने होते हैं. ओके, रीड द फॉलोइंग पोयम. लुक एट जिम. जिम को देखो. जिम इज़ इन द गार्डन. जिम एक बच्चा है, उसको उसके लिए ये पोयम है. इस सीन से रिलेटेड पूरी पोयम बनी है, आप देख सकते हो. व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज़ दिस. एक बच्चा है, गार्डन में है, उसको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं. गार्डन में जो चीज़ें हो सकती हैं वो आपके यहाँ शो की गई हैं. और इसके बेस पे देखिए एक छोटी सी पोयम बनाई गई है. इस तरह से आप भी अपनी पोयम्स भी बना सकते हो. लुक एट जिम. जिम इज़ इन अ गार्डन. जिम को देखो. जिम एक बच्चा है जो कि गार्डन में है, मीन्स बगीचे में है. द गार्डन हैज़ मैनी प्लांट्स. द प्लांट्स हैव मैनी स्टॉक्स. गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं और उस प्लांट की बहुत सारी शाखाएँ हैं. द स्टॉक्स हैव मैनी बर्ड्स एंड फ्लावर्स. और उनकी जो डंडियाँ हैं, पतली पतली जो टहनियाँ हैं, उस पर बहुत सारे बर्ड्स मीन्स कलियाँ और फ्लावर लगे हैं. नीचे आप देख सकते हो येलो कलर का. लुक एट दिस. ये देखिए पतली पतली डालियाँ हैं और डालियों में बर्ड्स एंड फ्लावर्स लगे हुए हैं. ओके, द गार्डन हैज़ अ हाइव. अब इस गार्डन में और क्या है आप देख सकते हो. सीन में एक बड़ा सा हाइव है. अ हाइव हैज़ मैनी बीज. हाइव को कौन बनाता है? हनी बीज बनाती हैं. तो उसके आसपास बहुत सारी बीज दिख रही हैं. द बीज बज इन द गार्डन. ये बीज जो है वो जो अब चलती हैं तो उनके पंखों के तेज चलने से जो आवाज़ बज की आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही है. द बीज डांस अराउंड द बर्ड्स ऑन द स्टॉक्स. और ये सारी बीज जो हैं वो कहाँ पे डांस, किस चीज़ के आसपास मंडरा रही हैं? फूलों के आसपास, क्योंकि ये वहाँ के उनके पराग लेकर के उसी को अपने हाइव में वो फिल करती हैं. द बर्ड्स आर हैप्पी टू सी देम डांस. अब बर्ड्स जो हैं, जिम जो है वो हाइव को देख के खुश है. हाइव जो है वो अपनी बीज की वजह से खुश है. और जो बीज हैं वो फ्लावर्स को देख के खुश हैं क्योंकि उनको वहाँ से अपने खाने पीने की चीज़ पराग और स्मेल्स मिलेंगे. बर्ड्स जो हैं वो इन बीज के डांस को देख के खुश हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है कि उनकी वजह से कोई इतना हैप्पी फील कर रहा है. द बर्ड्स आर हैप्पी टू सी देम डांस. बर्ड्स खूब खुश हो रहे हैं उनके डांस को देख के. द हैप्पी बर्ड्स ब्लूम. और खुशी से वो क्या कर रहे हैं? और खिल जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं. हल्के हल्के से हिलते हैं ना, जो हल्का सा मूवमेंट करते हैं उससे उनके हैप्पीनेस का पता चलता है. द हैप्पी बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर्स. और ये जो बर्ड्स हैं वो खुल करके क्या हो जाते हैं? जब ब्लूम कर जाते हैं, खिल जाते हैं, तो एक इनटू फ्लावर्स यानी फ्लावर के रूप में दिख जाते हैं. पहले इनकी कलियाँ बंद सी होती हैं, जब बंद होती हैं उन्हें बर्ड्स बोलते हैं, और जब वो ओपन हो जाते हैं तो वो फ्लावर हो जाते हैं. द बीज आर हैप्पी. उनके खुल जाने से बीज खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब उनको बहुत सारे पराग मिलेंगे, उसकी प्यारी खुशबू मिलेगी. द हैप्पी बीज बर्ज ऑन द फ्लावर. अब ये जो हैप्पी बीज हैं, जो ये चिड़ियाँ मधुमक्खियाँ, खुश मधुमक्खियाँ हैं, ये क्या करती हैं? उन फूलों के ऊपर बजिंग करती हैं, यानी उनके ऊपर मंडराती हैं. द फ्लावर्स आर हैप्पी. फ्लावर ये देख खुश हैं कि उनकी वजह से किसी को इतनी हैप्पीनेस मिल रही है. द फ्लावर्स एंड द बीज आर हैप्पी. अब इस वजह से बीज और फ्लावर दोनों ही हैप्पी हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए फुलफिल करते हैं उस मोमेंट को. द हैप्पी फ्लावर्स एंड द हैप्पी बीज मेक जिम हैप्पी. अब इन सब इतने सुंदर एक क्लाइमेट का यहाँ पे एक स्टार्टिंग हो रही है, क्लाइमेट बन रहा है गार्डन का, कि इन ये सब चीज़ों को देख करके जिम खुश हो रहा है और इस तरह से जिम जो है उसकी हैप्पीनेस बढ़ रही है. तो एक गार्डन है और देखिए कैसे सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं. अब कम एट द नेक्स्ट पेज और देखिए यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है. हु इज़ इन द गार्डन. गार्डन में कौन है? एंड योर आंसर विल बी जिम इज़ इन द गार्डन. जिम इज़ इन द गार्डन. वे डू द बीज डांस. बीज कहाँ डांस कर रही हैं? द बीज डांस अराउंड द बर्ड्स ऑन द स्टॉक्स. द बीज डांस, यहाँ पे डी ए एन सी ई के बाद एक डी यूज़ कर लीजिए. द बीज डांस अराउंड द बर्ड्स ऑन द स्टॉक्स. नंबर थ्री, वाई आर द बर्ड्स हैप्पी. बर्ड्स या कलियाँ खुश क्यों हैं? द बर्ड्स आर हैप्पी टू सी देम डांस. बर्ड्स हैप्पी हैं बीज की डांस को देख करके. द बर्ड्स आर हैप्पी टू सी देम डांस. व्हाट मेक जिम हैप्पी. क्या चीज़ जिम को हैप्पी कर रही है? द हैप्पी फ्लावर्स एंड बीज
मेक जिम हैप्पी, जो खुशहाल फ्लावर और बीज हैं उनको देख करके जिम हैप्पी हो रहा है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, और आप किस चीज़ से खुश हो रहे हैं। द हैप्पीस्ट मोमेंट्स मेक मी हैप्पी, ये जो सारा वातावरण खुशहाल वातावरण है, जो मोमेंट है, ये मुझे हैप्पी कर रहा है, क्योंकि हंसी खुशी और आनंददायक चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। तो इस तरह से आप ये आपको ये सीख रहे हैं आप कि किस तरह से अगर एक पोयम हो तो इसके क्वेश्चन अगर उसके दिए हों तो कैसे इसके आंसर्स को पुटअप करते हैं। लाइन्स को ध्यान से पढ़िए, उसकी अगर हिंदी करके समझ लीजिए तो उसका आंसर निकालना ईजी होता है। सो दैट चिल्ड्रेन, आप इसको बुक में कर लीजिए और इसको लर्न कीजिए, पढ़ते रहिए, इस पोएम को लर्न कर लीजिए। बड़ी प्यारी सी पोएम है, आप इसको लर्न कर सकते हो और आपस में अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।